अयोध्या जिले के कोतवाली नगर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। अयोध्या पुलिस ने चेकिंग के दौरान शहर के GIC तिराहे से दो लुटेरों को गिरफ्तार किया है। इसकी निशानदेही पर चोरी की 5 मोटरसाइकिल व लूट के 12,000 रुपए बरामद हुए हैं। पुलिस लाइन सभागार में मामले की जानकारी देते हुए SPCT विजय पाल सिंह के मुताबिक 24 जनवरी को नाका बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रांच से 20,000 रुपए निकाल कर एक महिला अपने घर जा रही थी, तभी रास्ते में वे रुपए लूट लिए गए थे। इसका मुकदमा पंजीकृत हुआ था। कोतवाली नगर की टीम गठित करके इसके खुलासे के लिए लगाई गई थी, जिसके उपरांत कोतवाली नगर पुलिस को सफलता मिली और GIC तिराहे के पास से दो लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है। इसके खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं। गिरफ्तार किए गए लुटेरे जनपद के थाना रौनाही व पूरा कलंदर क्षेत्र के हैं। के निर्देशन में ASP साहब के नेतृत्व में कोतवाली नगर की टीम गठित हुई थी और उनके प्रयास से दो अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं और उनके पास से 5 बाइक बरामद हुई है और 12,000 रुपये नकद बरामद हुए हैं। इसमें एक अभियुक्त जो सिंटू है और उसकी पूर्व की भी काफ़ी क्रिमिनल हिस्ट्री है और वो भी साथी अपराधी है, उसके द्वारा दिनांक 24 जनवरी को एक लूट की घटना की थी। एक महिला नाका के पास में बैंक ऑफ बड़ौदा से 20,000 रुपये निकाल करके अपने गांव पलिया साहब दी जा रही थी, तो जिसने इस अभियुक्त ने बाइक से पीछा करके और पैसा छीन लिया था। उस पर अभियोग पंजीकृत कोतवाली नगर में हुआ था। वो घटना का अनावरण हुआ है, उसमें वो अभियुक्त जो है गिरफ्तार हुआ है और शेष जो दूसरा अभियुक्त है वो भी बाइक चोर है, अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर के बाइक चुराई है, जिसमें दो मुकदमे तो कोतवाली नगर में लिंक हुए हैं और अन्य जनपदों से में ही उसने घटनाएं कारित किया है। तो एक अच्छा काम हुआ है और इसकी गहनता से और विवेचना की जा रही है। गिरफ्तार करने वाली टीम को 10,000 रुपये का नगद पुरस्कार भी दिया जा रहा है और इनके जो अभियुक्त हैं इनमें नगर के प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर और चौकी प्रभारी मंडी और अलीगढ़, चौकी प्रभारी देवकाली और चौकी प्रभारी जेल, ये सभी चौकी इंचार्ज और हमारे जो कुशल आरक्षी हैं इन्होंने टीम में काम किया है और इनको जो है और ही इससे उत्साहित होंगे और इससे संबंध में जितने इनके साथ के और अपराधी हैं उनको भी जो है गिरफ्तार करके जो है प्रभावी कार्यवाही की जाएगी और इन पर निरोधात्मक कार्यवाही भी की जाएगी। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।